लोग फ्री फायर मैक्स खेलेंगे। इनका म्यूजिक चला लो पहले बंद कर। इनकी पिक्चर के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमको देखने चाहिए रिव्यूज। मोस्ट फेवरेबल देखते क्या लिखा है लोगों ने। ये कौन सा स्पैम कमेंट इधर आ गया। फ्री फायर हेल्प मी, माई इज लॉगिंग इन अनदर डिवाइस, प्लीज 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 प्लीज, कितनी बार है हेल्प मी माई इज लॉगिंग। भाई क्या लिखा है इससे, इसने 5 स्टार दे के लिखा है। हाई गरीना प्लीज गिव मी डायमंड, आई डोंट हैव फियर 7 एंड टुडे इज माय बर्थडे प्लीज। राज भोसारे भाई हैप्पी बर्थडे, और बर्थडे पे गिफ्ट मांगते भीगनी, आई बैक टू यू प्लीज सेंड मी क्रोनो। ये भाई सिर्फ बोलना चाहते हैं से ओपी गेम। बोलता आईफोन 12 पे खेल ले 1 महीने से और लैग बिल्कुल नहीं हो रही। साला आईफोन 12 पे तो पबजी भी खेल ले, नहीं होगी लैग। और आईफोन लेके तो को बस यही गेम दिखी। नहीं मैं तो व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तू तो भाई अच्छे अच्छे गेम खेल अपने आईफोन पे। गरीदा आई तो पूज मी कंट बाई डायमंड प्लीज गिव मी, कितने 10,000 ना, हाँ 10,000 डायमंड टू माई आईडी। नाम देखो कुनूर का बाप। दिस इज सुपर गेम फ्री फायर, आई एम नूब और आई अन प्लेइंग फॉर सो मच टाइम, प्लीज गिव मी 4 मैजिक क्यूब। क्यूब क्या होती है, 8 बुल चलता है इधर। तो ये कुछ तो मांग रहे, वो भी अपना हर प्लेयर के लिए। महेश हीरो 1 2 3 4 इसको देखो। हाई सीरी फायर, ये क्या एप्पल की गेम है। आई एम इंडियन सो दैट्स व्हाई आई लव दिस गेम। भाई सही बात है, इंडिया ने तभी ये गेम चल ले ली है। हमको पढ़ाई के लिए किताबें दिला देंगे 10-20 हज़ार की तो भी, लेकिन 7,000 का फोन नहीं दिलाएंगे। उनके मोबाइल में खेल कर व्हाट्सएप वीडियो 10 GB के होते होंगे, तो ऐसी गेम डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कम MB की हो। ये भाई अपने दुख भरी दास्तान सुना रहे, लिखता है समवन हैक के माय आईडी। इसने अपनी आईडी अपने दोस्त को दी, उसने उसका कजिन को दे दी और उसने स्कैम कर ली। एक बात बताओ, ये फीडबैक देने वाला इस सेक्शन है, क्योंकि मैसेज पढ़ के तो ऐसा लग रहा चोरी चक्की और भीख मंगी की बातें हो रही है। लेकिन डाउनलोड हो चुकी है गेम तो खेल ही लेते हैं। जैसे हम लोग गेम के अंदर आते हैं, ये थोड़ी हमारा सतवाल तालाब करती है और कोई इस नुबड़ी को बता मैं कौन हूँ, क्वालिटी मोबाइल का महान इंसान, फिर ये हमको नाम चूज करने को बोलती है। तो मैंने अपने 50 साल के तजुर्बे के अंदर कभी भी जिस थाली के अंदर खाया उसमें छेद नहीं किया, और वैसे कौन खाना खाने ड्रिल मशीन लेके बैठता है जो थालियों के अंदर छेद करता फेंकता है। मैंने लिख दिया प्लीज प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। क्या पता लोगों को पता ही नहीं हो कि मोबाइल के अंदर भी कॉल ऑफ ड्यूटी ने एक बहुत ही बढ़िया गेम बना के रखी है। इस गेम की लॉबी को 3D बना दिया, लेकिन एक जायरोस्कोप नाम की चीज को ऐड नहीं कर पाए। वैसे करके फायदा भी क्या है, जो प्यारे बच्चे इस गेम को खेलते उन बेचारों के फोन के अंदर जायरो सेंसर नाम की चीज नहीं जिससे इनका जायरोस्कोप काम करे। और सारे बड़े यूट्यूबर तो भाई पीसी में ही खेलते, उनके लाखों के पीसी जो वर्जन चला सकते हैं उसमें फ्री फायर खेलते। तो सबसे पहले अपनी हुड को सेट कर लेते हैं। मैंने अचानक इनका फायर पास खोल दिया। यहाँ पे ग्राफिक टेक्सचर देख के घर जिसमें टॉयलेट भी नहीं दिख रहा उससे बड़ी पार्किंग है। तो ये फायर पास का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा आगे है। एक पर इनका जुगाड़ देखो, एक पर का सेट लेके दोनों को एक एक पर पिना दिए, दोनों को दो दो पर दे देते। अब जो पैसे इसमें कंजूस पने करके बचाए है उन पैसों का क्रोनो या आलो बांट दो बच्चों में। तो इसके अंदर टेडीएम मोड भी ऐड हुआ जो कि मैं खेलूंगा। टेडीएम नहीं है, सीएसगो टाइप है, क्वालिटी के अंदर पे आउट जैसा कुछ नाम से आया था। हमको यहाँ पे चीजें बाय करने का टाइम मिलता है। अब इसके अंदर जायरोस्कोप नहीं है, लेकिन इसका जो एम असिस्ट है भाई बेस्ट में बेस्ट है। तुम बंदे के बाजू में क्या, बंदे के कितनी दूर मारोगे तब भी ऑटोमेटिक भाई बंदे पे आ जाएगा वो, जो कि बच्चों के लिए बना है। लेकिन अब गेम ने इसको ऑफ करने का फीचर ही नहीं दिया, तो मैं भी क्या करूं। अब मैं इस गेम को पहली बार खेला था तो मेरे को नहीं पता, यहाँ से देखो कितना बढ़िया स्वाइप हो गया। मैंने नहीं किया, मैं बस शूट करा था, वो ऑटोमेटिक हुआ। अब ये डरपोक तो डर के भाग गया, लेकिन इसका एक और बंदा आ गया। और सबसे बड़ी बात, हमको हमारी पहली गेम के अंदर बॉट नहीं मिले। अब यहाँ पे इतना बढ़िया खेलते हो गए, मैं हील करना ही भूल जाता हूँ। मेरे को लगा ऑटोमेटिक होता होगा, पबजी के अंदर टेरियम में ऑटोमेटिक ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें मेडिकेट साथ दी थी तो मैंने यूज नहीं किया और मैं मर गया। एक गोली गई था, पर मरने से पहले सामने वालों की पूरी टीम को लो कर दिया। टीममेट इजीली जीता देते गेम को, लेकिन शाहरुख खान रिवाइव देने में बिजी था। भाई जोन आ रहा, जोन के अंदर जा, लेकिन नहीं इधर ही मरना है। टीममेट को रेव नहीं दे पाया, खुद भी मरा टीममेट भी मरा। फिर पता नहीं इधर देख के बंदों को उधर क्यों मारा, मतलब रिफ्लेक्स दिखा रहा नुबड़ा दो बंदों के सामने। ले दिखा ले, एक को भी नहीं मार पाया। अब मैंने उसी को छोड़ के फार्मास ली, क्योंकि मेरे को लगा ऑटोमेटिक गन है, क्वालिटी गन तो है ही। धोखा हुआ है ना इधर, देख बैग तो मेरे को लगा मेरा आईपैड की स्क्रीन खराब है। वापस चला के देखी, चार लोग में छोटी जगह नहीं देवाते, इतनी बड़ी जगह लोग भाई घरों के अंदर कैंप कर रहे, इसमें भी थोड़ी तो शर्म करो, कुछ कोने में बैठे लोग। फिर जो अपनी न्यू गन आने वाली है क्वालिटी के अंदर, वो वाली गन लेता हूँ। अब चला के देखता हूँ, क्या पता ये भी सिंगल में निकले, और वॉर बैंक मारने के भी ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं पता अंदर लगता है नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। उतने में एनिमी टीम का एक बंदा फ्लैंक कर देता है, और दीवारों के थ्रू भी एम एस बहुत बढ़िया काम करता जो ट्रेस कर रहा था इस बंदे को। मैंने जैसे ही वापस से क्लिक किया, भाई मस्त काम करता है एम एस। फिर मेरे को लगा मैंने इसकी पेटी में से 2 ग्रेनेड उठाए, लेकिन वो ग्रेनेड नहीं था, वो तो अपने ग्लू वॉल नहीं बनाते जो भाई कहीं भी खड़े हो तुम लोग अपनी शील्ड लगा सकते हो खुद की। मेरे को नहीं पता क्लासिक के अंदर ये इजिली मिल जाता है नहीं, लेकिन
बहुत ही बढ़िया चीज है। अगले राउंड के अंदर मैंने सोचा बहुत ही स्वैग से बंदों को मारूंगा, दो तो ऐसे ही वेस्ट कर डाली मैंने और एक को लगाने के चक्कर में मरते मरते बचा, लेकिन नसीब ने साथ दे दिया। और इधर ग्लू वॉल लगा के देखो मैंने, इधर वाले बंदे कितने इजीली मार दिए। क्लोरिटी को भी अपने शील्ड की जो साइज है उसको बढ़ा कर देना चाहिए और हम लोग एक ही टाइम पे 10-10 शील्ड लगा सके, भाई क्या मजा आएगा। फिर बंदे कैंप भी करते रहेंगे जो कि अभी भी कर रहे। इधर पे बंदे का दिमाग क्या हेड पे मार, लेकिन एक भी हेडशॉट नहीं लगा और उस बंदे ने एक शॉट में मार दिया। लेकिन हाँ क्यों मारा, क्योंकि मैंने हील ही नहीं किया था, वहाँ पे हील नहीं हुआ। मेरे टीममेट मेरे को रेव दे और देखो मैंने कैसा बदला लिया। अबे वो छाव में चश्मा पहनने वाले मेरे को रेव दे। तो वैसे इसने एक बंदे को नॉक कर दिया बहुत ही बढ़िया और वो सामने वाले बंदे ने सेल्फ हील कर लिया। और जो यहाँ पे इतनी बढ़िया स्किल लेकर भाग के बंदा आया उसको तो मार दिया। अब मेरे को एक और किल की तलाश थी जो कि इजीली मिल गया अगर वो मेरे को एक गोली मार देता। मैं भाई नॉक था, लेकिन कोई ना, उसका ध्यान मेरे टीममेट पे था। उसके बाद मेरे को पता चलता है तो वेस्ट और हेलमेट भी था, मतलब मैंने यहाँ पे टीममेट का उठाया और जो ग्रेनेड फेंक के मारा, भाई बच्चा भी इससे दूर फेंक देगा। इतनी क्लोज बंदा का तो मैं उसको खुद ही मार लूंगा। फिर यहाँ पे अपने टीममेट को मस्त बचाता हूँ, मैं सिर्फ जिगल देता हूँ, बाकी का काम एम असिस्ट कर लेता है। फिर एक बंदा बहुत दूर होता है जिसको मैं नहीं ग्लू वॉल से नहीं मारता हूँ, ग्लू वॉल को वेस्ट करके मारता हूँ। अगर इसके अंदर ज्यादा स्कोप होता तो पक्का मैं इसके अंदर हेडशॉट पर हेडशॉट मारता। देखो एम को लेकर बहुत घिसापिटी कर दी है, लेकिन फ्री फायर जितनी अच्छी गेम अच्छी कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर एम असिस्ट बहुत बढ़िया। अगर कोई नूबड़ा भी खेलेगा ना उसको, उसके भाई किल होने ही वाले। उसके बाद जो अपर्ट हमको मिले इतना कैम कर देते भाई, हमको भी हमको क्या, मैं कर रहा था, मेरी टीमेट तो कैंपर ही था ऑलरेडी। ये देखो भाई दोनों बंदे एक ही छत पे लेटे हुए, इस तरह लोग तो पीछे ही थे, मैं आगे जाके मार रहा था बंदों को। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एक बंदा भाई सामने था जिसका बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्किन होती है, पैसे बर्बाद इसके, इसको नॉक कर देता हूँ। वैसे नॉक होते ही भाई सीधा से हो जाओ, क्योंकि अब तक मेरे को पता ही नहीं था कि सेल्फ हील भी होता है। जैसे मैं पूरी टीम का पत्ते साफ हो गए, मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ इसके टीममेट इसको रिवाइव करने आएंगे तो इसको बेट करते हैं। फिर सोचता हूँ मार देते, लेकिन ये अचानक से खड़ा हो जाता है भाई भाई होकर खुद ही। उसके बाद तो मैं इसको मार ही देता हूँ और इसका टीममेट भाई आता ही नहीं, वो छत पे ही बैठा रहता है। अब मैं स्काउट करने के लिए इधर जंप लगाता हूँ, देखता हूँ भाई किधर बैठा है छुप के, इसी बिल्डिंग में से निकलता, मतलब इसके सामने इसका टीममेट मर रहा, बचाने नहीं आना, छत पे बैठ के हगना है। अब यहाँ पे मैं जैसे कूदा गोलियां नहीं चली, अभी नुबड़े के पास फ्री किल था जो कि नहीं ले पाया और मेरे को डैमेज दिया 15 HP बचा में, लेकिन उसके बाद में मैं इसको भगा भगा के मार ही देता हूँ। थोड़ा बच जाता क्योंकि उसका पूरी हेल्थ होगी और भाई जोन भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैं उसको नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्फ हील क्यों है यार, गेम के अंदर ये अन्याय नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको करने नहीं देता हूँ। और ट्रिपल किल लेके बुया नहीं आया क्या इधर, इतनी मेहनत करके टीम को जीता और बुया नहीं मिला, मेरे को नहीं खेलना है गेम। तो यहाँ पे मेरे को बता Level 3 के ऊपर तुमने शाहरुख खान को अनलॉक किया है, मैं पूरी खुशी में जाता हूँ देखने कैसा लगता है। लेकिन एक नल्ला नुल्ला नाम की कोई लड़की खोली है, ये खुली भी क्या है, तो ऑटोमेटिक मिलते मेरा शाहरुख खान किधर है, ये अपना एजेंट 47 हिटमैन के साथ भी कॉलोब हुआ है क्या, ये अपना मुदाई थाई का कुंफू वाला, थोड़ा खाना वाना खिलाओ, पतला दिख रहा है। वैसे मैं सच्ची में जाता हूँ यार शाहरुख खान को ढूंढने, लेकिन नहीं मिलता है। ये 2007 का धोनी का या फिर भुवन भाम का है, जोक मार रहा हूँ। फिर मैं अपनी आखिरी गेम खेलने इजिप्ट के इलाके में आ जाता हूँ जिधर मेरे को अकिम्बो डीगल मिलती है। और इस गेम के अंदर जो अपोनेंट थे भाई पूछो मत, पिछली गेम वाले तो अटलीस्ट अपना मुंह भी दिखा रहे थे, ये लोग तो दीवारों के पीछे ही बैठे रहे। अब भले इस मैप को मैं जिंदगी में कभी नहीं खेला, लेकिन इतना तो पता है अपोनेंट सामने ही है और पूरा खानदान सामने दिख जाता है। अब मैं थोड़ा कवर लेके एक बंदे को तो डैमेज दे देता हूँ बहुत अच्छा, लेकिन जैसे उसको मारता हूँ क्लोज में एक बंदा आ जाता है, लेकिन उसको भी इजीली मार देता हूँ मैं। अब दोनों कैंपरों को मैं इतना बड़ा डैमेज देता हूँ लेकिन नॉक निकलता ही नहीं है। और इस बार इतनी बढ़िया बढ़िया स्किन वाले टीममेट आए थे, मेरे को लगा यही मार देंगे, लेकिन टीममेट कुछ नहीं कर पाए, बल्कि इनसे ज्यादा तो मैंने ही कर दिया, इतना बड़ा डैमेज दिया सब किया, एक कवर नाम की चीज नहीं दे पाए मेरे को, हो गया मैं नॉक उन कैंपर उसे। जब सारे बंदे मर गए उसके बाद नूबड़ा टीममेट आता है, ये नूबड़े एनिमी के पीछे चला गया और वो एनिमी अभी दीवार के पीछे ही बैठा है। ईंटों को फेंक के चिपका लो अपने अंदर, एक बंदा जो इतना लो उसको पावर से मार रहा है ये नूबड़ा। इनसे बड़े कैंपर नूबड़े थे ही नहीं पूरी गेम में, मैं भी ऐसा पीछे के कैंप करके खेलता तो इजीली इन सबको मार देता। इस गेम में ना फिर भी रिफ्लेक्स देखो कितने बढ़िया मार रहा हूं मैं। फ्री फायर मैक्स सोचा था बढ़िया होगी, हाई ग्राफिक होगी, लेकिन कुछ नहीं है, मत ट्राई करना तुम लोग। ऐसा लग रहा है फ्री फायर के अंदर फिल्टर घुसा के उसको मैक्स कर दिया। वीडियो को शेयर कर देना तो दोस्तों के साथ। बाकी गाइस आज का वाला वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरा खुद को थैंक यू क्योंकि मैंने गेम को खेला व्यूज के लिए। इधर तो पता नहीं चला मेरा टीममेट कौन सा है, बंदा कौन सा है, और एम असिस्ट मेरे टीममेट के ऊपर क्यों जा रहा है। ये सीन को देख के इंडिया की नंबर वन गेम कम बल्कि कोई जोगा कंपनी लग रही थी, बंदे मार रहे भाग रहे नौ को, पता नहीं कुछ तो हो रहा था इधर। और भाई एक बार इधर का मिली अपन देखो, हमारा प्लेज इतना लंबा है, पहले से इतना कमजोर भागता है, इसको पहन के तो और कमजोर हो जाएगा ये। इसको मैंने 2 शॉट मारे और टीममेट ने किल चोरी कर लिया। बाकी बस बाय।